शासकीय हाई स्कूल सिमरोद में नेत्र चिकित्सा सहायक अनिरुद्ध सिंह सेंगर ने 90 बच्चों का नेत्र परीक्षण किया, जिसमें 31 बच्चे दृष्टि दोष से पीड़ित मिले। श्री सेंगर ने 31 बच्चों के चश्मे की जांच करके सूची जिले के अधिकारियों को प्रेषित कर दी। इस अवसर पर श्री सेंगर ने नेत्र सुरक्षा की जानकारी दी। इधर राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमौरी में पदस्थ नेत्र चिकित्सा सहायक अनिरुद्ध सिंह सेंगर ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय चक पंचोरा में दृष्टि दोष से पीड़ित 73 बच्चों को निशुल्क चश्मे प्रदान किए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक गण, जिनमें अशोक कुमार यादव, पुरुषोत्तम मीना, वंदना खानवेलकर, प्रमोद राव पाटिल, लालाराम मीना, धीरज अड़ावकर, रजनी मीना प्रमुख हैं। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी हम आप लोगों की नेत्र सुरक्षा की थोड़ी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि चश्मा क्यों लगाना चाहिए। अगर चश्मे की जांच हो जाए तो नजर का कम होगा भी सकता है। यदि अभी आपकी जांच नहीं होती चश्मे की, आगे होती तो ये नंबर आपका बढ़ जाता है। अभी आपका बहुत कम नंबर है तो ये नंबर कुछ दिनों के बाद आपका हट जाएगा। इस चश्मे को आप लगा के देखोगे तो थोड़ा साफ दिखेगा। साफ दिखा या नहीं तो कुछ दिनों लगाओगे तो उसके बाद ये नंबर हट जाएगा, क्योंकि सही समय पर आपकी जांच होगी। अगर आप सही समय पर जांच नहीं करवाते तो आपका फिर नंबर बढ़ जाता, फिर वो अपनी पहचान नहीं। तो इसलिए उसको बड़ी सावधानी पूर्वक चश्मे को लगाना, जब भी ब्लैक बोर्ड के अक्षर आपको देखने पड़े तो चश्मे का आपको उपयोग करना। इसके अलावा भोजन में विटामिन ए वाली चीज़ें भी उपयोग करना, जैसे गाजर, आम, पपीता, हरी सब्जियाँ, सेवियाँ, दूध, जितनी भी हरी सब्जियाँ, सब में विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए खाने वाले से आपकी आँखें बड़ी में बड़ी साफ रहेंगे और सुबह शाम साफ पानी से अपनी आँखें भी धोना। आँखों में कभी भी गंदगी न लगानी चाहिए, अन्यथा आपकी आँखों में संक्रमण हो सकता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और चश्मे को बिल्कुल तरीके से लगाएंगे। आप उसको घर जाकर देना कोई दिक्कत नहीं, स्कूल से जब आओ ब्लैक बोर्ड के जब अक्षर आपको देखने में दिक्कत है तब उस चश्मे को लगाएंगे तो आपका धीरे धीरे जो किसी को सिरदर्द होता होगा तो सिरदर्द ठीक हो जाएगा और किसी को देखने में दिक्कत होती है तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों।